अभी जी मैं जा रही हूँ, मुन्ना सो गया है और खाना मैंने बनाया नहीं। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी साहब शहर से बाहर गए हैं, तुम जाओ सुबह जल्दी आ जाना। ठहरो ठहरो, तुम जाओ मैं ले लेती। हेलो, खैरियत से घर पहुंच गई आप? मौत आपके घर की तरफ रवाना हो चुकी है, बस कुछ ही पलों में आप तक पहुंचने वाली है। Just wait and watch। चेहरे पर नकाब लगा रखा है या नकाब में चेहरा छिपा रखा है, इसका पता तुम्हें लगा के रहूंगा। ए बुढ़िया, हट! तुझे इस कैद खाने में सिर्फ 3 घंटे सोने की इजाजत है, बाकी का वक्त तुझे तड़प तड़प कर दहशत में काटना है। मुझे इस तरह रात दिन सदा क्या मिलता क्या है तुझे? अपने बेटे के कर्मों की सजा तू नहीं भुगतेगी तो और कौन भुगतेगा बुढ़िया? अच्छा बुढ़ी, आज एक बात सच सच बता देता, ये तेरा बेटा मुन्ना है ना, ये मुजरिम के रूप में एक शायर है या शायर के रूप में एक मुजरिम? बोलना बोलना, ए बताना बताना बताना, ये खूंखार दरिंदा है या मशहूर शायर? ए बोल 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 बड्डी बोल। ये तो मैं कुछ नहीं जानती, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ, जिस दिन मुन्ना को ये पता चलेगा ना कि तुम मुझ पे इस तरह जुल्म कर रहा है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे धमका रही है तू? मुझे धमकाएगी? तेरा तो वो हाल करूंगा कि तू चीखते चीखते पागल। बताए न बताए लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किशन और मुन्ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान ना करे मेरी इस हाल की खबर मुन्ना तक पहुंचे, नहीं तो अनर्थ हो जाए। मुन्ना भाई, मैंने तुम्हारा नमक खाया और तुम्हारे मुझ पर बहुत से एहसान भी है। मतलब की बात कर पक्या। भाई आदेश माँ पे बहुत जुल्म ढाता है, अगर मेरा बस चलता तो वही उसकी जान ले लेता, मगर नौकर आदमी हूं ना, बर्दाश्त करना पड़ता है। कल तो उसने माँ को जानवरों की तरह मारा। और एक जरूरी बात और, कुछ ही पल में आदेश यहां आने वाला है, उसको छोड़ना नहीं भाई। अब मैं निकलता हूं। वास्ता दिया
जान बचा ली अपनी, आज छोड़ता हूं फिर बना। नमक खाता है उसी की नमक हरामी करता है कुत्ते का चाकू निकल गई सारी शेखड़ी तेरी। आदेश, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने खामा खाम मुन्ना की मां को टॉर्चर किया और तुमने मुन्ना पर हमला क्यों किया? बाबा वो उसकी मां बहुत अकड़ रही थी और मुन्ना भी बड़ी हेगड़ी दिखा रहा था बाबा, उसने कर दिया चाकू नमक हराम के, सुला दिया, बिछा दी उसकी लाश। नहीं आदेश, नहीं नहीं, तुम मुन्ना को नहीं जानते, वो इतनी आसानी से निकलने वाली जान नहीं है। अगर तुमने उसे अधमरा छोड़ा है तो अब तुम्हारी खैर नहीं। बाबा ढेर कर दिया मैंने उसे, और मुर्दे उठा नहीं करते, उठाए जाते हैं बाबा। आए पापा। भाई आप तो बहुत जल्दी आ गए। अच्छा ये बताइए कि आप हमारी बीवी और अपनी राधा को कहाँ छोड़ा है? वो डैडी, सास बहू दोनों शॉपिंग पर गए, आजकल उन दोनों में बहुत बनने लगी। बननी भी चाहिए, सास बहू का रिश्ता जो है। रवि यहां आओ बेटा। देखो बेटे, बुरा मत मानो, अब राधा का इस घर में आना जाना बंद करो। क्या भाई? हमारा मतलब है कि राधा को हमेशा हमेशा के लिए तुम इस घर में ले आओ। हाँ भैया, आपने जो कसम खाई थी ना उस क्रिमिनल को खत्म करने की, पाशा जंग को, उसे आप एकदम खत्म कर दीजिए और हमारी प्यारी भाभी को इस घर में जल्दी ले आइए। क्यों डैडी? हाँ बेटे हाँ। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, जख्मी हालत में फरार मुन्ना गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त कहाँ है वो? सर वो केएम हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। ठीक है मैं अभी पहुंचता हूँ। रवि कहाँ जा रहे हो? केएम हॉस्पिटल। पापा वो मुन्ना पकड़ा गया है, जख्मी, बहुत नाजुक हालत। मैंने कहा था ना कि मुन्ना इतनी आसानी से निकलने वाली जान नहीं है। तुमने मुन्ना को नहीं बल्कि एक जहरीले नाक को छेड़ा है, अब इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा। बहुत सीरियस है सर, उसकी हालत देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वो बच पाए। हाउ इज ही डॉक्टर? पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। ओ, बच तो जाएगा ना डॉक्टर? उसके होश में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सिक्योरिटी बढ़ा, हर जवान को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी और हर मिनट हर घंटे की रिपोर्ट में देखें। ऑलराइट कैन आई मेक अ कॉल? या श्योर।
थैंक यू। हेलो, किशन साहब घर पर हैं? जी नहीं, वो शहर से बाहर गए हुए। हैदराबाद में उनका मुशायरा चल रहा है, वहीं गए। कब तक लौटेंगे? कुछ कह के नहीं गए। देखिए आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं रवि बोल रहा हूँ। जैसे ही साहब लौटेंगे मैं उन्हें बता दूंगा। रवि। ओह हेलो सर, हाउ आर यू? हाउ इज द कंडीशन? स्टिल क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल। लेकिन सर, मुन्ना को लेकर फिर मेरे जहन में कुछ हलचल होने लगी है। व्हाट्स दैट? सर, जब किशन मेरी मंगनी में आया था तब मुन्ना फरार था, और अब मुन्ना हमारी हिरासत में है तो किशन इस शहर में नहीं है। मुन्ना के होने पर किशन का ना होना, या किशन के होने पर मुन्ना का ना होना, ये महज इत्तेफाक है या? मतलब किशन और मुन्ना दोनों एक ही शख्स है? इस तरह का शक तुम्हें पहले भी हुआ था ना रवि? हुआ था सर, लेकिन इस बार इस शक का नतीजा निकल कर ही। देखते हैं, मुन्ना हमारी हिरासत में है, हमारी निगरानी में है, और किशन, देखते हैं किशन कब तक शहर में है। किशन जी के शहर में ना होने से आप इतने परेशान क्यों हो? कहीं किशन जी को लेके तुम्हारे दिमाग में कोई शक तो नहीं कुलबुलाने लग गया? Not exactly, Reena. लेकिन ये मुन्ना और किशन एक शहर में होता है तो दूसरा नहीं होता, क्या ये हैरानी की बात नहीं है? भैया आप भी ना कमाल की बातें कर रहे हो। कहां वो डेंजरस मुन्ना और कहां हमारे प्यारे से, स्वीट से, सोबर से किशन जी हैं। रूपाली, भैया आप अगर उन पर अब भी शक करते हैं तो एक काम कीजिए, उस खूनखार मुजरिम के हाथ में एक पेन दे दीजिए, शायद वो भी एक शेर लिख दे। शट अप रूपाली, जस्ट शट अप, ये मजाक की बात नहीं है, समझे तुम? लड़िए। क्या बात है बेटे, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। पापा, भैया के कैदी मुन्ना जब फरार थे तब भी वो परेशान थे, अब जब पकड़े गए तब भी वो परेशान है। इसके इस तरह परेशान होने से मैं इससे ज्यादा परेशान हो गया हूं। कितनी बार कहा है कि ये पुलिस की नौकरी छोड़ दो, मगर हमारी सुनता कौन? कैसे छोड़ दे वो पुलिस की नौकरी बाबा, उसके लिए नौकरी नौकरी नहीं, एक लत है, नशा है। नहीं आदेश, पहले नशा था और अब जहर है। अगर पिंजरा तोड़कर पंछी उड़ गया तो। मुझे आपको दवाई पिलानी है, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जल्दी कीजिए, तब तक मैं दूसरे पेशेंट को दवाई दे के आती हूँ।
13 नंबर का जो वार्ड का स्ट्रेचर है ना वो 20 नंबर वार्ड में लेके जा। ले जाता हूँ, लेकिन तू आजकल बहुत मुझ पे ऑर्डर चलाने लगा है। अरे ये मत बोल, मैं तेरे पास क्लीनर हूँ। अरे समझे। सर मुन्ना फरार हो गया है। क्या? लेकिन इतने सख्त पहरे के बावजूद वो भागा कैसे? मैं अभी आ रहा हूं। आदेश, वही हुआ जिसका मुझे पूरा यकीन था। अब तुम बहुत चौकन्ने रहना।